सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 15 पन्ना का त्याग इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में मेवाड़ राज्य की धाय पन्ना के अद्भुत बलिदान और त्याग के बारे में बताया गया है। पन्ना धाय कौन थी? मेवाड़ राज्य के राजकुमार उदय सिंह को पालने का काम जिसने किया था, उसकी देखरेख किसने की थी? पन्ना धाय ने। चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद वहां अराजकता फैल गई थी। वहां के दोनों राजकुमार अभी बहुत छोटे थे, यानी वो गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। बड़ा जो पुत्र था वो विक्रम सिंह, वो अभी कितने साल का था? 14-15 साल का। उनके राजतिलक के बाद दासी पुत्र बनवीर ने राज्य हड़पने का षड्यंत्र रचा। यानी जब विक्रम सिंह को राजगद्दी पर बिठाया गया तो दासी का पुत्र था कौन? बनवीर। तो उसने राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रचा, योजना बनाई। बनवीर ने धोखे से विक्रम सिंह की हत्या कर दी और छोटे पुत्र उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल में पहुंच गया। उदय सिंह की धाये पन्ना को इस बात की भनक पहले से लग गई थी और उन्होंने क्या किया, उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में बिठाकर महल से बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया और उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को उसके बिस्तर पर सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार पन्ना धाय ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। तो ऐसी थी पन्ना धाय। तो आइए आज हम पन्ना के इस त्याग की कहानी को पढ़ते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रख कर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, जीजी, ओ जीजी, हाँ आ गई खूबी? हाँ आ गया, तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अंताक्षरी हो रही थी, रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। अब क्या है, एक बच्चा है वो अपनी दीदी के पास घर पे वापस आता है अपने स्कूल से, क्या गुनगुनाता हुआ, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या देखता है कि उसकी बड़ी बहन जो है वो खिड़की के पास बैठी हुई कुछ पढ़ रही है और उसके आने का पता भी नहीं चलता। तो उसके पास आके उसे अपनी बात सुनाता है कि आज हमारे स्कूल में अंताक्षरी हुई और जब एक उसके साथी का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली उसे कविता ही नहीं आई। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी। कौन सी पंक्ति? बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली ही थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी जीजी कि पूछो मत। अब बच्चे कुछ भी क्लास में सुनाते हैं और वो बहुत अच्छा सुनाते हैं तो बच्चे ताली बजाते हैं तो बच्चे को खुशी होती है ना, आप लोगों को भी खुशी होती है। तो वैसे ही वो बच्चा अपनी बहन से बता रहा है। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबी लाल ने कहा, फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी? जीजी, नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय। पन्ना धाय? हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबी लाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, अब तू कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ने। खूबीलाल हंसने लगा। तो अब वो उसकी बहन जो है उसे पन्ना धाय की कहानी सुना रही है।
सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी, यानी पालने वाली। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई तो ऐसी महिलाएं थी, है ना, जो रानियां थी। लेकिन पन्ना धाई ऐसी स्त्री थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, है ना, केवल अपने स्वामी के नमक का हक अदा करने के लिए जिसने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा से किए, स्वेच्छा से किए हुए त्याग और बलिदान की कहानी थी। यानी उसने यह जो बलिदान किया था अपनी मर्जी से किया था, अपने स्वामी के लिए किया था, है ना, उदय सिंह को बचाने के लिए किया था, उसने कोई मजबूरी में यह त्याग नहीं किया था। अब वो कहानी सुना रही है, तो आइए देखते हैं क्या कह रही है वो कहानी में। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह अभी 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 साल के थे। यानी महाराणा संग्राम सिंह के 3 पुत्र थे, सबसे बड़े भोजराज तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के, और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा, यानी चंदन भी 7-8 साल का था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबी लाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों, यानी अपने रास्ते से डिगमगा गए हों, और अबोध राजकुमार जिसे कुछ जानकारी भी नहीं है राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे? यानी कि जहां पे सारे कर्मचारी जो हैं एक भेदिये के साथ मिल गए हों, है ना, बनवीर के साथ मिल गए थे, वहां के जो भी सारे कर्मचारी थे, और जो राजकुमार था अभी छोटा था, वो राजनीति के इस चाल से अनभिज्ञ था, यानी कुछ भी नहीं जानता था। खूबी लाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी। जी, कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली, नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। यानी उसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा और नवरात्रों के दिनों में सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया और विशेष रूप से उसमें क्या किया, दोनों राजकुमारों को बुलाया। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग जो है वो निष्कंटक हो जाएगा। क्या किया उसने कि जब सारी जनता नाच रंग में लगी हुई होगी तो वह दोनों राजकुमारों की हत्या कर देगा और इस प्रकार वो वहां का राजा बन जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसीलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को भी पता लगा था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है।
मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जी जी कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकती थी? तो अब क्या कह रहा है, पनवीर के आदमी सब बहुत चौकसी पर थे, यानी क्यों नहीं जा सकती थी वो, क्योंकि पनवीर के आदमी चारों तरफ निगरानी पर थे और बाहर निकलना निरापद था, यानी आपत्तियों से भरा हुआ था। निरापद नहीं था यानी आपत्तियों से भरा हुआ था, मगर महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिये मौजूद थे। अब क्या कहती है वो जीजी कि जो पन्नाधाई थी वो महल से बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि चारों तरफ चौकस पहरेदारी थी, और अगर वो बाहर जाती तो यह उनके लिए मुसीबत बन जाता, और महल में भी उसको नहीं छिपा सकती थी क्योंकि महल में क्या था, बनवीर के भेदिये यानी बनवीर को सारा भेद देने वाले महल में मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो कोई शायद नहीं कर सकेगा। क्या किया उसने, देखो अब क्या संकल्प किया उसने, उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसीलिए वह उठकर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। बारी कौन था? वह जुट महल से जुट्ठी पतली इकट्ठी करने करके ले जाने का काम करता था। अब बारी जो था वो क्या करता था, महल में जो भी जुट्ठी पतली होती थी खाने पीने की, उनको इकट्ठा करके बाहर ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना भाई के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। अब क्या किया उसने, उसने वो रसोई घर में तो सो ही गया था उदय सिंह, तो पन्ना भाई ने क्या किया, किरत बारी को कहकर कि उसे भी अपनी जो जूठी पतली है उसके बीच में उसको छिपाकर महल से बाहर पहुंचा दे। ये देखो ये किरत बारी है और ये उसके सिर पर क्या लगा हुआ है, टोकरा जिसमें क्या है, जूठी पतले है ना, और छोटा था उदय सिंह है, तो टोकरे में ही पहले उसने उदय सिंह को लिटाया और उसके ऊपर जूठी पतले रखकर उसे महल से बाहर ले जाने का काम किया। तो कैसे किया देखते हैं। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था, यानी वो भी अपने धर्म पर टिका हुआ रहने वाला व्यक्ति था। उधर कीरत गया और इधर पन्ना धाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा, यानी कीरत उदय सिंह को जुट्ठी पतलों की टोकरी में लिटाकर महल से बाहर ले गया, और जैसे ही वो गया उधर से पन्ना धाय का अपना पुत्र, खुद का पुत्र चंदन जो था वो तमाशा देखकर महल में लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे, क्योंकि रोजाना साथ में खाना खाते थे, तो वो माँ से पूछने लगा कि उदय सिंह कहाँ है, पर माँ ने हाँ हूं करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, यानी उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं बताया और उसे उदय सिंह के महल में ले आई और वहीं पर लाकर उसको खाना खिलाया, प्यार किया, फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती, राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया, यानी कि वो सो गया, ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ, यानी वो ऐसा सोया कि आज तक वो नहीं उठा। क्यों नहीं उठा, देखो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी हुई तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। उसने क्या किया था, बनवीर ने विक्रम सिंह को मार दिया था और उसके खून से रंगी हुई तलवार लेकर वो कहाँ पहुंच गया, उदय सिंह के कमरे में पहुंच गया। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा फटकारा, यहाँ पे बेटा नहीं आएगा, पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, अट्टहास यानी एक साजिशी हंसी हंसना है ना, अट्टहास होता है एक साजिश रूपी हंसी हंसना। तो पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है, देख
इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। क्या मतलब हुआ कि मैंने एक राजकुमार को तो मार ही दिया है, उसका खून तो तलवार पे लगा ही हुआ है, अब मैं दूसरे को भी मारने वाला हूँ। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। क्या कहते हैं उसको कि आज तू मेरे हाथों से उदय सिंह को नहीं बचा सकती, मैं आज उसे मार दूंगा। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अब ये देखो ये कौन है, ये है पनवीर है ना, और ये है पन्ना भाई, उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला रखा है। तो अब जैसे ही बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए तलवार उठाता है तो एक बार तो वो उसको रोकती है, गिड़गिड़ाती है उसके आगे। क्या कहती है उसे, अरे नीच पात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी दिखाता है, तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। क्या कहती है उसको कि तू उदय सिंह की हत्या मत कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दिया कर। मगर बनवीर का अट्ठहास सुनकर उसका क्षत्रित्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। यानी उसको पता लग गया कि बनवीर नहीं रुकने वाला, उसकी जोर की हंसी सुनकर उसका भी क्षत्रित्व जाग गया और वह भी अपनी कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का ही साथ देता है खूबी, बनवीर की बांस में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी, माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। यानी कि उसने अपने पुत्र को सुला दिया था, अब बनवीर ने क्या सोचा कि यहाँ पे उदय सिंह सो रहा है, और उसने नशे में तो था ही, अपनी तलवार से उस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए। और इस प्रकार पन्ना थाई ने क्या किया, उदय सिंह को बचा लिया है ना, सिसोदिया वंश के राजकुमार को बचा लिया और अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। जीजी आगे कुछ नहीं कह सकी, उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झर रहे थे, खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई, यानी उसमें भी पानी आ गया है ना। ऐसी दर्दनाक कहानी सुनकर तो कोई भी रो देगा। तो ऐसी थी पन्ना धाय, जिसने अपने क्षत्रित्व धर्म का पालन करने के लिए, अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया।